दोस्तों डीए कर्मचारियों को अधिकार नहीं रोक सकती सरकार। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाले महंगाई भत्ते से जुड़ी हुई, जिसके बारे में आपको वीडियो में आगे जानकारी दी जाएगी। वीडियो पूरा देखें दोस्तों। सर्विस मैटर से जुड़े हुए वीडियो देखने के लिए आप हमारे नए यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयज अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आइए देख लेते हैं क्या है यहाँ पर ये पूरी खबर। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ये यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला आया है महंगाई भत्ते के भुगतान से जुड़ा हुआ। तो इस खबर के अनुसार महंगाई भत्ते को फ्रीज करने को लेकर सरकार की मुखालफत कर रहे राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स का दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद पक्ष मजबूत हुआ है। कर्मचारियों ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को उत्तराखंड में भी लागू करके डीए फ्रीज के आदेश को निरस्त करने की राज्य सरकार से मांग की है। कोर्ट के इस फैसले से उत्तराखंड में नई हलचल शुरू हो गई है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के जनवरी 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है, और केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकारों ने भी महंगाई भत्ते को फ्रीज करना शुरू कर दिया है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर ये जो मामला था, ये यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी, और उस याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसले सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक कर्मचारी और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते के साथ वेतन व पेंशन पाने का पूरा अधिकार है, जिसे सरकार रोक नहीं सकती है। इससे पूर्व भी सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में भी निर्णय दिया था कि प्रत्येक पेंशनर्स को पेंशन देना सरकार का दायित्व तो है, सरकार बजट की कमी का बहाना बनाकर इसे रोक नहीं सकती। दिल्ली हाईकोर्ट निर्णय को लागू कर कर्मचारियों और पेंशनरों ने शीघ्र डीए की राशि को जारी करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने 24 अप्रैल 2020 को जारी डीए स्थगन आदेश को निरस्त नहीं किया तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और भी कोर्टों के रास्ते यहाँ पर अपनाए जाएंगे। तो ये एक बड़ी अपडेट यहाँ पर कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी केंद्र सरकार के और राज्य सरकारों के सभी जो आदेश हैं महंगाई भत्ते में रोकने को, उनको असंवैधानिक करार दिया है, और यहाँ पर कहा है कि डीए कर्मचारियों और पेंशनर्स का अधिकार है, उसे कोई भी सरकार रोक नहीं सकती। दोस्तों एक बड़ी अपडेट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके दोस्त भी इस बड़ी अपडेट के बारे में जान सकें, और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।